हरिवंश राय बच्चन जी का जिक्र किया, उस कविता की कुछ पंक्तियां हैं। कवि ने कहा है, वृक्ष हो भले खड़े घने, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा मांग मत, मांग मत, मांग मत। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। इस कविता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा, ऐसी स्कीम को जो इस सेना, इस देश की सेना जो हमारे देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक अहिंसा सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। ये आपका मकसद होना चाहिए कि आपके देश में एक ऐसी सरकार बने जो सच्ची देशभक्ति दिखाए, जो देश की संपत्ति को सुरक्षित रखे, जो देश को आगे बढ़ाए, देश के गरीबों और नौजवानों को आगे बढ़ाए। इसीलिए इस मंच पर खड़े हुए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि जो भी आप प्रदर्शन करें, आप शांतिपूर्वक करें, लेकिन आप रुके नहीं, आप थके नहीं। ये आपके अधिकार है, आपका देश है, इसको सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है, इसके लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है। इस कर्तव्य को निभाने में कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपका साथ देगा। ये ट्रेन कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, ट्रैक्टरों पे बैठे हुए मैं ऐसे नौजवानों से मिली जिन्होंने मुझे कहा कि दीदी उम्मीद छूट गई है, खत्म हो गई है, सालों से हम भर्ती का इंतजार कर रहे थे, अब हम गन्ना बेचने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका दर्द हम समझते हैं, पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है, लेकिन आप ये मत भूलो कि ये देश आपका है, इस देश की संपत्ति आपकी है, इसे सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य है। हम यहाँ सत्याग्रह पे बैठे हैं क्योंकि सत्याग्रह, सत्य की लड़ाई अहिंसा द्वारा लड़ी गई, अहिंसा के जो मार्ग पर चलकर लड़ी गई, उस लड़ाई ने इस देश को आजाद किया, इस देश को आजाद करके आपको सौंपा ताकि आपका भविष्य बन पाए। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि परिस्थितियों को समझिए, आपके आसपास क्या हो रहा है, सरकार कैसे चल रही है, देश में क्या हो रहा है, उसको गहराई से समझिए। जो किसान के आंदोलन थे क्यों किए गए, किसान क्यों जागे, क्यों सड़क पर आए, क्योंकि वो समझे कि खून पसीना वो बहाए, मेहनत वो करें, लेकिन उस मेहनत की कमाई किसी और को दी जा रही थी, ये सरकार उनके लिए नहीं चल रही थी। इसी तरह से मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि समझिए, ये सरकार आपके लिए नहीं चल रही है, ये सरकार इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के नवयुवकों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के एक एक देशवासी के लिए, जो आज गरीब है, जो परेशान है, उसके लिए नहीं चल रही है ये सरकार। ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है, और ये जितनी भी स्कीमें हैं जो बार बार आप पे थोपी जाती हैं, ये सोच समझ के किया जा रहा है। ये बात सही नहीं है साथियों कि बगैर सोचे समझे किया जा रहा है, ये सोच समझ के इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस सरकार का सिर्फ एक मकसद है, सत्ता में रहना, सिर्फ एक मकसद है, और उस मकसद को निभाने के लिए कुछ भी कर डालेंगे। उस मकसद को निभाने के लिए वो बड़ी बड़ी, जो बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे,
वो इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को क्यों बेचे? आप बताइए क्यों बेचे? उसी मकसद को पूरा करने के लिए। आपको रोजगार मिलता था वहां से, आपको उन उद्योगों से, छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापार से भी रोजगार मिलता था। देश को एक ऐसे अंधकार में धकेल दिया है जहां से देश को बाहर निकालना है। युवा आज बेचैन है, युवा आज बहुत गुस्से में है, और ये गुस्सा यदि अनियंत्रित हुआ तो ये देश के लिए बहुत घातक होगा। सरकार इस बात को समझ नहीं रही, वो केवल अपने नग्न पुलिस शक्ति के बल पर युवाओं को दबाना चाहती है। बड़ा मुश्किल समय है, भारत सरकार ने एक बार फिर ये साबित किया है कि वो ना तो किसी की सुनेंगे ना समझेंगे, और अपनी मनमर्जी से कानून थोप देंगे। आज जिस प्रकार से देश आंदोलित है, हम सभी परमश्रद्धेय सोनिया गांधी जी हों, राहुल जी हों, मंच के सभी नेतागण हों, हम सब कांग्रेस लोगों ने अपील करी है कि देश में जो हिंसा का माहौल बना है उसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। नौजवानों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हिंसा किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन आज जो आक्रोश लोगों के जहन में है उसको सरकार को समझना पड़ेगा। आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं, चिंतित हैं, लेकिन देश की सरकार ने जो कानून बनाया है नया फौज के लिए, ये अग्निपथ जो नियम बने हैं, ये खिलवाड़ ना सिर्फ नौजवानों के साथ है, लेकिन भारत की वो सेना जिसका शौर्य बलिदान पूरा देश और दुनिया उसका सम्मान करता है, आज उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो भी बहुत चिंतन का विषय है। फौज के साथ हमारा पुराना रिश्ता है, और ये बात सही है कि सिर्फ नौकरी के लोग फौज में नहीं जाते हैं। गांव में जो लड़के लड़कियां देश सेवा करना चाहते हैं, फौज की वर्दी पहनना चाहते हैं, वो सिर्फ भत्ते के लिए, पेंशन के लिए फौज में नहीं जाते हैं। उनके लिए वो अवसर रोक देना, आज 15 लाख लोग हमारी थल सेना में हैं, आपको अगर अपना पेंशन का बिल कम करना था तो और भी तरीके थे,